रात को सोते समय जो भी महिलाएं करती हैं ये उपाय उनके घर की सारी संकट टल जाते हैं। क्या आप अपने घर में रात को सोते समय बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपने घर की तरक्की के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में जानती हैं? और क्या आप अपने परिवार के सारे संकटों को खत्म करना चाहती हैं? या फिर आपके घर में बार बार जो नुकसान होते रहते हैं, लोग बीमार होते रहते हैं या फिर धन की कमी होती रहती है, इन सभी मुसीबतों से आप छुटकारा पाना चाहती हैं? तो बागेश्वर धाम सरकार के बताए हुए इन उपायों को आप आजमा सकती हैं। गुरुजी का कहना है कि महिलाएं केवल सोते समय एक छोटा सा काम करके अपने घर की सुख समृद्धि और बचत और बरकत में सहयोग दे सकती हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं गुरुजी के बताए हुए वो कौन से उपाय हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और अगर वह कुछ खास उपाय कर लेती हैं तो उनके घर में सदैव के लिए उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी साक्षात नारायण जी के साथ विराजमान रहती हैं और उनके घर की सभी मुसीबतों को आने से पहले ही समाप्त कर देती हैं। तो गुरुजी का कहना है कि अगर आप कामकाजी महिलाएं हैं, आपके पास ज्यादा कुछ करने का समय नहीं होता, तो केवल सोते समय अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही आप अपने घर की उन्नति के लिए कोशिश कर सकती हैं। गुरुजी का कहना है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जब भी आप सोती हैं उससे पहले आप धरती माँ को माथा टेक कर प्रणाम करके सोएं और उनसे क्षमा मांगे कि आप उन पर अपना संपूर्ण भार रखती हैं। साथ ही धरती माता का धन्यवाद दें कि वो आपका और आपके परिवार का भार वहन करती हैं। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को सुबह उठने के बाद भी यही उपाय करने को कहा है। गुरुजी का कहना है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, ऐसे में एक महिला को उठने के बाद 5 तत्वों को प्रणाम जरूर करना चाहिए। आप सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें और धन्यवाद कहिए कि वह दिन भर आपका भार सहन करती है। इसके बाद आप जब आचमन करने जाए या फिर स्नान करने जाए तो जल देवता को धन्यवाद करें। फिर जब आप मंदिर में दीपक जलाएं तो अग्नि देवता को धन्यवाद करें। उसके बाद सूर्य देवता को अर्घ देते समय आपको वायु देवता और पवन देवता को भी धन्यवाद करना है। यदि महिलाएं इन 5 तत्वों को प्रणाम करके धन्यवाद देती हैं तो इसका फल उनके पूरे परिवार को मिलता है, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और इस 5 तत्वों में ही मिल जाना होता है। इसीलिए जब भी आप सोने जाती हैं तो अपने दिन भर की क्रियाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें, ईश्वर का भजन करें और आप अपने जिस भी इष्ट देव को मानते हैं कम से कम 5 बार उन देवी देवता का नाम ध्यान करें और उन्हें एक सुखी जीवन देने के लिए धन्यवाद करें और साथ में प्रार्थना करें कि अगले दिन आप जब भी उठें तो आपका जीवन मंगलमय रहे। गुरुजी के अनुसार जो महिलाएं अपने घर में उस उपाय को करती हैं और अपने घर के बाकी सदस्यों को भी इस उपाय को करने के लिए प्रेरित करती हैं, ऐसी महिलाओं के घर में कभी भी कंगाली नहीं आती। माता लक्ष्मी उनकी सभी संकटों को दूर कर देती हैं और ऐसे घर के लोग कभी भी बीमार नहीं होते, उनके ऊपर कभी भी असाध्य बीमारियां नहीं होती और ऐसे घरों में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी गुरुजी के बताए हुए इन उपायों को जरूर आजमाकर देखेंगे और ईश्वर की कृपा प्राप्त करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, न कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।